"قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا" الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا حضراتي غرامي जादू और जन्नात की हकीकत और इलाज के तल्ल से बात चल रही है कि जादूगर जन्त को कैसे हाजिर करते हैं और अपने कंट्रोल में काबू में कैसे लाते हैं ताबे और मसख़र कैसे करते हैं तो अब तक हमने जो तरीक़े मालूम किए हर तरीक़े में शिरक पाया जाता है कुफर पाया जाता है शिरक और कुफर के ज़रिए से शयातीन खुश होते हैं और खुश होकर जादूगरों की बात सुनते हैं मदद करते हैं और वो जैसे कहते हैं उसी तरह से करते हैं इन तरीक़ों में से एक तरीक़ा ये भी है जादूगर कभी ऐसा करता है कि किसी मरीज या जिस पर जादू करना मकसूद हो उसका कपड़ा या उसका बाल या उसके जिस्म से लगा हुआ उसके जिस्म से लगी हुई कोई चीज उसको हासिल करता है या तो उसका रुमाल उसके दस्ती उसके करछिप, उसकी टोपी उसकी पगड़ी उसका कपड़ा कपड़े का कोई टुकड़ा ये हासिल करता है हासिल करने के बाद फिर उस कपड़े को वो मुख्तलिफ तरह के गिराह लगाता है कपड़े को गिराह लगाता घाटी लगाता है और घाटी लगाकर उसके साथ वो मुख्तलिफ तरह के तंतर मंतर करके जादू करता है जिन्नात को हाजिर करता है जिन्नात खुश होके उसकी मदद करने के लिए आते हैं ये तरीका बहुत मारूफ और मशहूर है जादूगरों के यहाँ पर कि जिस पर जादू करना मकसूद हो उसके जिस्म से लगी हुई कोई चीज या उसके जिस्म का कोई टुकड़ा हासिल करें और उसके जरिए से वो तंतर मंत्र करके गिराह लगाकर बंदिश करके जादू करें पहले भी वसल्लम पर भी जादू इसी तरह से किया गया था कि आप अलैहि वसल्लम के बाल हासिल किया गया एक यहूदी लड़का नबी की खदमत में रहता था तो कंगीम करते हुए उसने एक बाल हासिल किया और उस बाल को ले जाके उस बाल को ले जाके यहूदी को दिया और वो यहूदी बाल में ग्यारह घाटी लगाया गिराह डाला गिराह डालने के बाद उसमें फूक मार मार के जादू किया इसीलिए अल्लाह ने कहा गिराह में घाटियों में फूक मार मार कर जादू करने वालियों के फितने से अल्लाह मैं तेरी पनाह में पना आता हूं फिर उस बाल को मोम का एक पुतला बनाया और उसके अंदर रखा अंदर रख के मोम का पुतला बना के उस मोम के पुतले में सुई चुबोया और उसमें भी तंतर मंतर करके कांटा चुबाया फिर उसको एक छोटे से संदूक में बॉक्स में बंद करके मदीने के एक पुराना बाग के पुराना कुआं था उसके अंदर ले जाके डाल दिया तो खतरनाक तरीके से ये जादू किया इन सारी बातों में आप देखेंगे कि शैतान को खुश किया जाता है कुफर शिरक किया जाता है अल्लाह को नाराज किया जाता है अल्लाह को नाराज किया जाता है शैतान को खुश किया जाता है तो इस तरीके से भी वो जादू किया करते हैं जादूगरों के यहां पर एक तरीका ये भी राइज है वो क्या करते हैं कि कभी किसी छोटे बच्चे के जरिए से भी ये लोग जादू करवाते हैं यानी कभी कोई छोटा बच्चा या बच्ची उसको बेवज़ू बिठा कर अपने सामने बिठा लेता है फिर उसकी बाएं हथेली पर एक मुब्बा बनाता है हथेली पर यानी स्क्वायर यानी स्क्वायर बनाता है फिर उसके इर्द गिर्द चारों तरफ जादू वाले मंत्र लिखता है फिर उसके बिल्कुल दरमियान में तेल और नीलगू पत्ते या तेल और रोशनाई रख देता है तेल मुख्तलिफ तरह के जो उनके पास आलात जर्रात होते हैं वो सब चीजें रख देते हैं फिर एक लंबे कागज पर कुछ हरूफ वो लिखते हैं कुछ लेटर्स लिखते हैं और उसके साथ वो तो चंतर मंतर करके जादू करता है उसमें फूंक मारता है कभी आग जलाता है कुछ और करता है इस तरह से क्या करता है उस और उस फिर उस बच्चे को एक भारी चादर से ढांप देता है ढांप देता है और उसके बाद अपने कुफरिया वर्द पढ़ता है और इन कुफरिया जादू और जादुई करतबों के जरिए से बच्चे के हथेली पर रख देता है कुछ चीज़ रख देता है या पढ़ पढ़ के उसमें दम करता है और अंधेरी की वजह से उसे कुछ नज़र नहीं आ रहा होता बच्चे को इतना अंधेरे में रखता है उसको कुछ नज़र नहीं आता है अचानक बच्चा ये महसूस करता है इसको लगता है कि अब अंधेरे में रोशनी फैल गई है यानी अब ये रोशनी क्या होता है ये जिन्नात में से कोई आता है जिन्नात में से कोई आता है आके उसको रोशनी दिखाता है उसको बोलता है मैं रब हूं ये हूं वो हूं अब उस बच्चे के जरिए से कुफरिया शिरया काम कराकर उससे पूछता है कि तू हाजिर हो जा तू ये कर वो कर इस तरह की कुछ चीजें वो करवाता है फिर शैतान खुश होता है नहीं जितने तरीका देखेंगे ये सब क्या है कुफ्रिया शिरकिया तरीका है और इस तरह के जिन्नात के आके किसी को धोखा देना शखल इस्लाम इबन तमिया रहम् ने अपने फ़तावे की किताब में एक वाक़ नक़ल फरमाया है अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमा का वाक़ा है कि अब्दुल क़ादिर जीलानी रहा एक रात तारिक कमरे में इबादत कर रहे थे कमरा तारिक था और गहरी रात थी अचानक तारिक कमरा डार्क जो रोम था रौशन हो गया रोशन हो गया रोशनी आ गई और गैब से आवाज आने लगी अब्दुल कादिर जिलानी मैं तेरा रब बोल रहा हूं मैं तेरा रब बोल रहा हूं तूने इतनी इबादत बंदगियां की है कि आइंदा मैंने तेरी सारी इबादतों को माफ कर दिया है तुझे आगे इबादत करने की जरूरत नहीं है मैंने सारी इबादतों को माफ कर दिया है कादिर जिलानी रहमा ने कहा तू मेरा रब नहीं है तो शैतान मरदूद है तो शैतान मरदूद हैं तो अर्ज करने का मकसद क्या है कि शैतान बाकायदा इसे रूम में आके रोशनी करता है और ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि मैं रब हूँ फुला हूँ मुझे मानो मेरी बात सुनो मेरी ताबेदारी करो जब अब्दुल अब्दुल्कर जिलानी जैसे इल्म वाले इबादत गुजार पर हमला कर सकता है हमा शुमा का क्या हाल है उसके बाद शैतान ने कहा आए अब्दुल कादिर जिलानी तू तो मुझे पहचान गया मगर आज की रात मैंने तेरे जैसे सत्तर इबादत गुजार को गुमराह कर दिया जिनके पास इल्म नहीं था मगर इबादत का बड़ा जज्बा था वो आबिद थे मगर आलिम नहीं थे वो आबिद तो थे मगर आलिम नहीं थे इसलिए मैंने ऐसे सत्तर आबिदों को गुमराह कर दिया जिनके पास सही इल्म नहीं था नॉलेज नहीं था तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा शैतान तेरा दूसरा हमला पहले हमले से भी खतरनाक है पहले तो तू मुझे इबादत से रोकना चाह रहा था लेकिन दूसरी बार तू मुझे शिरक में मुब्तला करना चाहता है मुझे तो गुरूर में मुब्तला तो 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 करना चाहता है मुझे मेरे इल्म ने नहीं मुझे मेरे रब ने बचा लिया है सुबह अल्लाह ये ईमान देखो और किस तरह के शैतान के साथ मुकाबला करने की ताकत है देखो कहा मेरे इल्म ने नहीं इल्म देने वाला अल्लाह है मुझे मेरे रब ने बचा लिया है मुझे मेरे इल्म ने नहीं बचाया तो उसके बाद शैतान भाग गया भाग गया देखिए किस तरीके से शैतान हमला करता है तो जादूगरों के यहां पर भी शैतान आके मुख्तलिफ तरीके से उनकी मदद करता है और उनकी मदद के जरिए से उनकी बातों को सुनता है और सुन के उनकी मदद करके अब जब वो राजी हो जाता है कहता है कि क्या करना है बोलो जादूगर कहता है फुला के पास जा उसको तकलीफ दे उसको ये कर उसको डरा उसको ये कर उसके बाद जादूगर के कहने के मुताबिक ये जिन्नात आके परेशान करके तकलीफ देके इनको रास्ते से गुमराह करने की कोशिश करते हैं परेशान करके उसको डराने की धमकाने की कोशिश करते हैं मुख्तलिफ तरह के काम काज ऐसे होते हैं अब इन शाह हम लोग आगे मालूम करेंगे कि जन्नात किस तरीके से इंसान के अंदर दाखिल होते हैं शयातीन किस तरीके से इंसान के अंदर दाखिल हो जाते हैं है ना दाखिल हो जाते हैं तो किस तरीके से होते तो उसके क्या क्या, -क्या तरीक़े ताकि हम उनसे एहतियात कर सकें दुआ की जरबूलमीन से अल्लाह हमें और आपको इन जादुई करतबों से तंतरो मंत्रों से अल्लाह तला महफूज रखें अमीन सब्ला महमदी का शदाफ्रकाबिला